बालिका शंकर एक सन्यासी है और एक सन्यासी माँ का दाह संस्कार कैसे कर सकता है? ऐसा करने से इस गांव का नाश होगा। आप तो कुछ नहीं जानते, ये बात इन्हें नहीं पता ना। चुप हो जाओ तुम, ये पुरुषों का व्यवहार है। चुप हो जाइए, आप पुरुष कब से बन गए? और नहीं तो क्या जी, बचपन में ही बहुत सारी भाषाएं सीखी थी उसने। लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए नर्मदा नदी को भी कमंडल में बंदी बना लिया था उसने। इतना ही नहीं जी, अपनी माँ के लिए पूर्णा नदी घर के पास ले आया था। इतना महान है वो, तो क्या इतनी सी बात नहीं जानेगा? शास्त्र का विरोध करने से ये गांव शमशान बनेगा। सच कहा शंकर, लोगों का आचार्य हो सकता है किंतु हमारे लिए अनाचार्य है। शव को उठाने के लिए ही नहीं, उसे देखने भी कोई नहीं जाएगा। ये इस प्रचंड शर्मा की आज्ञा है। भगवंत अग्नि भिक्षान देही, मेरी माता शिवैर्ण्य हो गई, मुझे उनका दहन संस्कार करना है। अग्नि भिक्षान देही। भवती, मेरी माँ का देहांत हुआ है, दहन संस्कार करना है। अग्नि भिक्षान देही माता। चंडी अग्नि डाल दोगी क्या? अग्नि चलो। शंकरा बेटे, शंकरा। माता, मेरी माँ का देहांत हुआ है, दहन संस्कार करना है। अग्नि भिक्षान देही माता। तुम हो सन्यासी, सन्यासी की वो माँ है, क्या माँ है, किसकी माँ है, कुछ समझ में नहीं आता। ए, चलो फूटो। भिक्षां देहि। आज्ञा दीजिए, क्या चाहते हैं आप? तेरे प्राण मुझे बलिदान में चाहिए। अपने आप को मांग रहे हैं? अस्तु। पद्मपाद,
अपना मंत्र वापस ले लो। कपालिका, आचार्य आप आगे बढ़िए। आचार्य, कश्मीर के सर्वज्ञ पीठ को अपनाने की लालसा में मैं ये पाप करने चला आया। उसके लिए पूरे योग्य जगत के गुरु आचार्य आप हैं। अगली कार्तिक पूर्णिमा से पहले आप कश्मीर जाइए आचार्य, उस सिंहासन पर बैठने का अधिकार आपका है। शिवोहम। प्रिय सभावासियों, यही है वो अति पवित्र कश्मीर का सर्वज्ञ शारदा पीठ। यहाँ उपस्थित सर्वमत पंडितों को अपने वाद विवाद से हराने वाला व्यक्ति ही इस पीठ पर विराजमान हो सकता है। अब आप शास्त्रों की चर्चा आरंभ कर सकते हैं। गौड़पाद, क्या कहा? क्या कहा? चर्चा? आप लोग वहाँ देखें, कौन है वो जानते हैं ना? आदि शंकराचार्य कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चार बार पदयात्रा करके सारे मठों के नेताओं को अपने वाक्यों से जगाकर, अंधकार मिटाकर, उनकी आंखें खोलकर, संगठित करके सब एक है कहते हुए धरती को पूरी तरह कपा कर आया है। ये सिंहकंठ से निकला आध्यात्मिक सिंह है, इसी का है ये सिंहासन। अस्तु, आदि शंकरा ही इसके लायक है, ये मैं नहीं कह रहा, वेदों के वेद गुरुदेव भास्कर ने कहा है, शिवाद्वैत्य रहे नीलकंठ ने कहा है, कर्म ब्रह्मांड जो है उन प्रभाकर ने कहा है, भट्ट मत प्रवर्तक मंडल मिश्र ने कहा है, शाक्ते मत के अभिनेता अभिनव गुप्त ने कहा है, वैष्णव वैश्व जन लोग चार वाक और गान पात्य, भैरव लोग पशुपति जन, वैद्य जन, अघोर जन, सौर्य जन और जैन सभी धर्मों के लोग इनके चरणों में आकर शरण शरण कहने लगे। इनसे भी बड़ा कोई सर्वज्ञानी है क्या इस सभा में? नहीं है। ये जानते हुए भी यदि कोई खड़ा होने का साहस करना चाहता है तो उन्हें मैं क्षण भर सोचने के लिए कहता हूँ। शंकर जब पैदा हुआ तब से लेकर इसे जानता हूँ, सच कहूं तो पैदा होने से पहले से ही जानता हूं। मूर्ख दुर्जन्य दुर्भाग्य से भरे इस दुष्ट समाज की पूरी तरह से शुद्धि करने के लिए बचपन से ही तड़प तड़प के तपस्या करता रहा ये महापुरुष। अपरोक्षानुभूति, आत्मबोध, आनंद लहरी, ब्रह्म सूत्र भाष्यम, प्रच्छीकरण प्रक्रिया, उपदेश साहसी, ब्रह्म गीत, लगभग 200 से ज्यादा अपूर्व रचनाओं की रचना की है, अद्भुत पूर्वक अध्यानंतर कार भंजन अद्वैत सिद्धांत का प्रतिष्ठ पीठ किया इस शंकर ने। ये जानने वाले कितने लोग हैं? शंकर से बढ़कर कोई नहीं हुआ है और ना ही हो सकता है, ये मैं जानता हूँ, तुम भी जान गए ना? कारण जन्म आदि शंकर ही उस सिंहासन पर विराजमान होने के लायक है। नहीं। अति पवित्र सन्यास आश्रम को दो बार स्वीकार किया है इस शंकर ने। सामान्य मानव बनके अपनी माँ का दाह संस्कार कर रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा। अति पवित्र सन्यास आश्रम धर्म को अग्नि में डालकर जलाया इसने। उस सिंहासन पर विराजने के लायक ये बिल्कुल नहीं है। अरे ओ कपालिका, यहाँ चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। सन्यासी का मतलब काम क्रोध लोभ मद मत्सर छोड़ना होता है, मानवता का छोड़ना नहीं। तुम्हारी आंखों के सामने शंकरा ने अपनी माँ का दाह संस्कार किया था, यही है ना तुम्हारा संदेह? आखिर सन्यासी को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यही साबित कर देते हैं। कोई सन्यासी अपने पिता को प्रणाम कर सकता है या नहीं? बिल्कुल नहीं। जब से मैं सन्यासी बना हूँ मेरे पिता ही मुझे प्रणाम करते हैं। कोई भी सन्यासी अपने पिता को तो क्या, किसी को भी प्रणाम नहीं करता है। स्कंद पुराण काशी खंड विश्वेश्वर स्मृति के 11वें अध्याय में 50वें श्लोक में संध्यस्था खेल खरमानी प्रसूर वंद्या प्रत्यता, यानी सन्यासी को नियम से माँ को प्रणाम करना चाहिए, यही है इसका असली अर्थ।